रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती, जैसे कि हम और हमारा साथ, हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज कल और हमेशा के लिए। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल, नियर ज्योति श्री सिनेमा हॉल, सहेजना रोड, गढ़वा, झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। श्री वंशीधर नगर, वंशीधर अनुमंडल पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक लुटेरा गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग के सरगना बिहार के सासाराम निवासी दीपक कुमार के साथ चार सहयोगियों को गिरफ्तार भी किया। इनके निशानदेही पर पुलिस ने धुरकी थाना क्षेत्र से 5 बाइक बरामद की हैं। वहीं बिहार पुलिस ने दीपक के घर से 6 बाइक और एक कार बरामद की। दीपक के अलावा अन्य गिरफ्तार अपराधियों में धुरकी के एनुल अंसारी, डंडई निवासी शंकर चौधरी, संतोष प्रजापति और जितेंद्र भुइया शामिल हैं। वहीं गैंग में शामिल एक अन्य सदस्य बिछिया दामर निवासी संतोष चौधरी पहले ही एक अन्य कांड में जेल में बंद है। वंशीधर नगर थाना में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए SDPO नीरज कुमार ने बताया कि SP के निर्देश पर शनिवार को धुरकी के टाटीदिरी के पास एंटी क्राइम चेकिंग की जा रही थी। करीब 12:30 बजे पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशानुसार जो है एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया था। ये टाटीदिरी के पास एंटी क्राइम चेकिंग दल को देखकर एक मोटरसाइकिल जो है वो भागने लगा। उसको जब पकड़ा गया तो उससे पूछताछ किया गया, तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं इसलिए भाग रहा था कि मेरे ऊपर जो है कई केसेस हैं और मैं फरार हूँ और लाल वारंटी। उसके पास से जो मोटरसाइकिल बरामद किया गया, उसके संदर्भ में पूछे जाने पर उसने बताया कि मैं चोरी का मोटरसाइकिल है ये, मैं 6,000 में खरीदा हूँ और जिससे खरीदा हूँ उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। उसके बारे में उसके द्वारा जब बताया गया तो एक ऐसे टीम का पता चला जो कि बिहार से मोटरसाइकिल चोरी करके हमारे गढ़वा जिला में खपाने का काम करते थे, जिसमें एक लड़का जो है वो सासाराम बिहार का है जिसका नाम दीपक है, और जितेंद्र भुइया जो कि डंडई का रहने वाला है, उसके भी पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री है मोटरसाइकिल चोरी में। हमारे घर ये धुरकी थाना में वो जनवरी में भी प्रयास किया था जिसमें कि 2 लड़के पकड़े गए थे, ये फरार था, उसमें ये वांटेड था। उसके अलावे 3 लोग अन्य जो हैं वो पकड़े गए हैं मोटरसाइकिल गैंग में के सदस्य के रूप में, जिसमें संतोष चौधरी, संतोष प्रजापति, ये दोनों जो है वो बिछिया दामर का रहने वाला है। बिछिया दामर यानी कि ये डंडई का रहने वाला है जी। और इस टीम का जो पूरा श्रेय जो है वो जाता है थाना प्रभारी जो धुरकी हैं योगेंद्र कुमार उनका, और इंस्पेक्टर रमोद कुमार सिंह का, जिन्होंने इसको बहुत बढ़िया ढंग से जो है टैकल किया और 5 मोटरसाइकिल को बरामद किया। इसके अतिरिक्त जहां से दीपक को गिरफ्तार किया गया उसके घर से 6 अन्य मोटरसाइकिल जो है बरामद किया गया, वो सासाराम के मुफस्सिल थाना को सुपुर्द किया गया है। इस संदर्भ में सासाराम मुफस्सिल थाना जो है जांच कर रही है। सर, जो 2-3 लोग हैं वांटेड के रूप में कौन कौन केस में है सर? उसमें एनुल अंसारी जो है वो मर्डर और आर्म्स एक्ट में और डकैती के केस में वांटेड है। जितेंद्र भुइया लूट और मोटरसाइकिल चोरी के केस में वांटेड था। इसके अतिरिक्त जो एक है शंकर चौधरी का जो है वो ये नक्सल हिस्ट्री है, वो 10 साल जो है नक्सल केस में जेल में रह चुके। इसी दौरान बाइक से आ रहे एनुल अंसारी को रोकने के बाद वह गाड़ी छोड़कर भागने लगा। पुलिस बल ने उसे दौड़ाकर पकड़ा। बाइक के कागजात मांगने पर बताया कि शंकर चौधरी से 6,000 में खरीदी हुई है। इसी आधार पर शंकर के घर पर छापा मारा गया। पकड़े जाने पर शंकर ने बाइक लूट गैंग होने की बात कबूली, जिसके आधार पर सभी को छापा मारकर पकड़ा गया। SDPO ने बताया कि सासाराम पुलिस को गैंग लीडर दीपक के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद उसके घर पर भी छापेमारी की गई। इस दौरान उसके घर से 6 बाइक और एक कार बरामद की गई है। बिहार पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है। उन्होंने बताया कि 4 साल से इस गैंग ने मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर एक हीरो स्प्लेंडर, एक होंडा CB यूनिकॉर्न, एक TVS अपाची, एक CD डॉन और एक TVS फोनिक्स बरामद किया है। एनुअल से जानकारी मिलने के बाद SP ने कांड के उद्भेदन के लिए SDPO नीरज कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया था, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर रमोद कुमार सिंह, ददहुर की थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार,
पंकज कुमार तिवारी, आलोक कुमार, प्रमोद प्रसाद, मनोज कुमार, नदीम अहमद के साथ जैप के जवान शामिल थे। पकड़े गए अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। शंकर चौधरी नक्सल वारदातों में शामिल रहे हैं। इससे पूर्व वह 10 साल जेल में भी रह चुका है। वहीं एनुल लाल वारंटी था। इस पर लूट, हत्या, आर्म्स एक्ट, डकैती सहित कई संगीन मामले भी पहले से ही दर्ज हैं। वहीं दीपक के खिलाफ भी सासाराम पुलिस में कई मामले दर्ज हैं। प्रेस वार्ता में पुलिस इंस्पेक्टर रमोद कुमार सिंह, धुरकी थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार और पंकज तिवारी भी मौजूद थे। धन्यवाद।